नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं आई एम एन इंडियन चैनल। तो आज का चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। राहुल बजाज बजाज समूह के अध्यक्ष थे। वे शीर्ष 10 भारतीय व्यावसायिक घराने में शुमार थे। एक उद्योगपति होने के साथ साथ राहुल बजाज भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक नेताओं में एक थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता की भावना के लिए सम्मानित थे। वे भारतीय उद्योग परिसंघ CII और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के अध्यक्ष रह चुके हैं। राहुल बजाज लगभग 40 वर्ष तक बजाज ऑटो के चेयरमैन के पद पर रहे थे। अपने कार्यकाल जीवन में राहुल बजाज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के दो बार 1979 से 1980 और 1999 से 2000 में प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। इस दौरान उन्हें 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नाम के फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन 12 फरवरी 2022 को बजाज समूह के अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें करीब एक महीने पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत से कारोबार की दुनिया से लेकर राजनीति के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। राहुल बजाज का जन्म 30 जून 1938 को कोलकाता में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कमल नयन बजाज और दादाजी का नाम जमनालाल बजाज है। राहुल के दादा जमनालाल बजाज ने ही वर्ष 1926 में बजाज समूह की स्थापना की थी, जबकि उनके पिता कमल नयन बजाज को वर्ष 1942 में बजाज समूह का उत्तराधिकार बनाया गया। राहुल बजाज के एक भाई भी है जिनका नाम शिशिर बजाज है। राहुल बजाज ने वर्ष 1958 में दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA की डिग्री प्राप्त की। अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल बजाज ने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1965 में अपनी कंपनी के साथ की। कुछ साल बाद वर्ष 1968 में उन्हें बजाज ऑटो का CEO बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने सफलतापूर्वक भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक की स्थापना की। उन्होंने आरकुड़ी और बालूज में अपने कारखानों की स्थापना की। वर्ष 1980 में बजाज ऑटो भारत की सबसे ऊंचे स्तर की स्कूटर बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। बजाज ऑटो की सफल होने के 10 साल बाद उन्होंने बजाज चेतक की लॉन्च किया। उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के दौर में बजाज ऑटो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि स्कूटर की बिक्री में गिरावट आ गई और 2001 के शेयर बाजार के गिरने के बाद कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। इस पर कुछ कारोबारी विश्लेषकों ने पूर्वानुमान लगाया कि बजाज उद्योगों को जल्द ही बंद करना होगा, लेकिन राहुल बजाज ने उम्मीद खोए बिना धैर्य रखते हुए बिजनेस विशेषज्ञों के साथ बंद पड़ी हुई कंपनी को
फिर से स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने चाकन में एक और फैक्ट्री की स्थापना की और R&D में निवेश किया। इसके बाद बजाज पल्सर मोटरसाइकिल की बढ़ती लोकप्रियता के साथ आगे बढ़ती गई, जबकि बजाज पल्सर वर्तमान समय में अपने क्षेत्र में अग्रणी है। वर्ष 2005 में राहुल बजाज बजाज ऑटो के चेयरमैन का पद से सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि वे इस समूह के अध्यक्ष बने रहे थे। राहुल बजाज ने अपने राजनैतिक करियर की शुरुआत वर्ष 2006 में की, जब जून 2006 में उन्हें महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था। उन्होंने वर्ष 2010 तक राजनीति में रहते हुए देश की सेवा की। राहुल बजाज की कंपनी बजाज ऑटो दो पहिए और तीन पहिए वाहन निर्माता कंपनी है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ये कंपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा बनाती है। यदि मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल के मामले में ये कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि तीन पहिए गाड़ी बनाने में ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दिसंबर 2020 में ही राहुल बजाज की कंपनी बजाज ऑटो ने 1,00,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप के आंकड़े को छू लिया था, जिससे ये कंपनी दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू वाली दो पहिया वाहन कंपनी बन गई। राहुल बजाज की कंपनी ऑटो सेक्टर के अलावा फाइनेंस में भी डील करती है। 26 मई 2008 को बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी तीन हिस्से में बट गई, जिसके बाद बजाज फिनसर्व लिमिटेड यानी कि BFL, बजाज ऑटो लिमिटेड यानी कि BAL और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड BHIL कंपनियां बनी। फरवरी 2022 तक फोर्ब्स के अनुसार राहुल बजाज की नेटवर्थ 8.2 अरब डॉलर करीब 62,000 करोड़ रुपया है। राहुल बजाज का विवाह रूपा बजाज से हुआ था। इस दंपति के दो बेटे और एक बेटी है। उनके दो बेटे जिनका नाम राजीव बजाज और संजीव बजाज है और वे दोनों बजाज कंपनी के मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं। उनकी एक बेटी सुनैना बजाज है। सुनैना बजाज की शादी मनीष केजरीवाल से हुई है, जो टेमासेक इंडिया के प्रमुख रह चुके हैं। राहुल बजाज की पत्नी रूपा बजाज की मार्च 2013 में ही एक लंबी बीमारी के बाद जर्मनी के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। राहुल बजाज लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज भी काफी लंबे समय से चल रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि उन्हें न्यूमोनिया हो गया था और वो दिल की बीमारी से भी ग्रसित थे, जिसके बाद उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। 83 वर्ष की उम्र में 12 फरवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे उन्होंने अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। व्यवसाय जगत में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए राहुल बजाज को वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। राहुल बजाज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के दो बार 1979-80 और 1999-2000 में प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। वर्ष 2017 में राहुल बजाज को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। राहुल बजाज को
फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये था राहुल बजाज के जीवन से जुड़े कुछ बातें। तो आज का वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करें और दूसरों को भी देखने का मौका दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय हिंद।